गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम फिर से एक कंबाइंड सीवर के डिज़ाइन के बारे में डिस्कशन करेंगे। अभी हमने अपने पिछले लेक्चर में भी एक कंबाइंड सीवर से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल के बारे में डिस्कशन किया था। आज हम उससे थोड़ा चेंज क्वेश्चन है जिसमें हमें कंबाइंड सीवर डिज़ाइन करना है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को देखते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करना है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है कि ए मेन कंबाइंड सीवर वॉज डिजाइन टू सर्व एन एरिया ऑफ 60 स्क्वायर किलोमीटर विथ एन एवरेज पॉपुलेशन ऑफ 185% पर हेक्टेयर। द एवरेज रेट ऑफ सीवेज फ्लो इज 350 लीटर पर कैपिटा पर डे। द मैक्सिमम फ्लो इज 50% इन एक्सिस ऑफ द एवरेज टुगेदर विद द रेनफॉल इक्विवेलेंट ऑफ 12 mm इन आवर। ठीक, ऑल ऑफ विच आर रन ऑफ। वॉट शुड बी द कैपेसिटी ऑफ द सीवर इन क्यूमेक पर सेकेंड। ठीक है, सीवर की कैपेसिटी को हमें कैलकुलेट करना है मीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक, तो चलिए हम क्वेश्चन में सबसे पहले जो गिवन डेटा है उसको हम लिख लेते हैं, देन उसके बाद क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो गिवन डेटा हमारा क्या क्या है? गिवन डेटा जो हमारा एरिया ए की वैल्यू वो दिया हुआ है 60 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक, देन इसके बाद क्वेश्चन में और क्या गिवन है? जो पर कैपिटा डिमांड दिया हुआ है वो कितना है? 185 LPCD। ठीक, देन उसके बाद जो एवरेज रेट ऑफ सीवेज फ्लो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है? 300, सॉरी ये हमारा 185 LPCD नहीं है, ये जो हमारा एवरेज पॉपुलेशन है 185 परसेंट पर हेक्टेयर, ये हमारा एवरेज पॉपुलेशन है। मतलब कि पर हेक्टेयर में कितने लोग हैं? 185 परसेंट हैं। और जो हमारा एवरेज रेट ऑफ सीवेज फ्लो दिया हुआ है वो कितना है? 350 LPCD है। ठीक, ये हमारा 350 LPCD हो गया। अब जो क्वेश्चन में गिवेन है वो हमारा क्या है? जो रेनफॉल इक्विवेलेंट दिया हुआ है वो 12 mm इन 24 आवर्स, यानी कि 12 mm में 24 आवर्स में हमारा रेनफॉल दिया हुआ है। तो सबसे पहले अब हम क्या करेंगे इसमें, चूंकि हमारा कंबाइंड सीवर है तो हमें क्या चाहिए? पॉपुलेशन चाहिए, क्योंकि पर कैपिटा डिमांड अगर क्वेश्चन में गिवन है 350 LPCD, तो हमें पॉपुलेशन अगर पता रहेगा तभी हम क्या कर पाएंगे, हम टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर जो सप्लाई है वो हम कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक, तो हम सबसे पहले हम क्या करेंगे इसमें, अब पॉपुलेशन कैलकुलेट करेंगे। ठीक, तो पॉपुलेशन कैलकुलेट करने के लिए अब हम क्या करेंगे, जैसा कि हमें पता है कि टोटल पॉपुलेशन ऑफ द एरिया इक्वल टू होता है टोटल पॉपुलेशन ऑफ द एरिया इक्वल्स टू होता है पॉपुलेशन डेंसिटी इनटू एरिया, जैसा कि यहाँ पे लिखा भी गया है पॉपुलेशन डेंसिटी इनटू एरिया। ठीक, तो अब हमारा पॉपुलेशन डेंसिटी कितना है? पर हेक्टेयर में कितने लोग हैं? 185 परसेंट है। पर हेक्टेयर में कितना क्वेश्चन में गिवन है? 185 परसेंट। तो पॉपुलेशन डेंसिटी हमारी हो गया 185 इंटू एरिया। अब एरिया हमारा 60 स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक, तो उसको हम क्या करेंगे, हेक्टेयर में कन्वर्ट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? 60 × 10^2 हेक्टेयर। देन उसके बाद जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा टोटल क्वांटिटी कितना, सॉरी टोटल पॉपुलेशन कितना आ जाएगा? 1.1 × 10^5 परसेंट। ठीक है, ये हमारा उस एरिया में जो 60 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है उसमें हमारी पॉपुलेशन हो जाएगी। ठीक, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, एवरेज सीवेज फ्लो कैलकुलेट करेंगे। क्या करेंगे? एवरेज सीवेज फ्लो। तो जैसा कि हमें पता है कि जो हमारा वाटर सप्लाई हम करते हैं उसका 80% हम क्या करते हैं? सीवेज की क्वांटिटी कैलकुलेट करते हैं। बट यहाँ पे जो डेटा गिवन है वो क्या है कि एवरेज रेट ऑफ सीवेज फ्लो दिया हुआ है। एवरेज रेट ऑफ सीवेज फ्लो 350 लीटर पर कैपिटा पर डे दिया हुआ है। तो इसमें हमें 80% कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है सीवेज की क्वांटिटी के लिए। तो हम सीधे क्या डायरेक्ट कैलकुलेट करेंगे, एवरेज सीवेज फ्लो। ठीक,
तो एवरेज सीवेज फ्लो हमारा दिया हुआ है क्वेश्चन में 350 लीटर पर कैपिटा पर डे, और जो हमारी पॉपुलेशन आई है वो कितनी आई है, 1.11 × 10⁵ पर्सन। तो अब जब हम 11 इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 350 × 11.1 × 10⁵, तो हमारी वैल्यू क्या आ रही है, 388.5 × 10⁵ लीटर पर डे, ये हमारा एवरेज सीवेज फ्लो हो जाएगा। अब ये यूनिट हमारी किस में है, लीटर पर डे में है, तो लीटर पर डे को हम क्या करेंगे, मीटर क्यूब पर सेकेंड में या क्यूमेक्स में कन्वर्ट करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारी वैल्यू दिया हुआ है लीटर को, उसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे। तो हमारा वैल्यू क्या आया था, 388.5 × 10⁶ है, लीटर में है, तो लीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे, डिवाइडेड बाई 10³ हो जाएगा। पर डे है तो डे को हमें सेकेंड में कन्वर्ट करना है, तो × 24 × 60 × 60 हम कर लेंगे। ठीक है, ये हमारा जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे किया भी गया है, 10³ से डिवाइड करके × 1/24 × 60 × 60 किया गया है। ठीक, अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करेंगे तो जो एवरेज सीवेज फ्लो आएगा वो हमारा कितना आ जा रहा है, 4.5 क्यूमिक्स। ठीक है, ये हमारा सीवेज की क्वांटिटी हो जाएगा। अब हमें स्टॉर्म वाटर की क्वांटिटी कैलकुलेट करनी है जिसको हमें सीवर से फ्लो कराना है। तो जैसा कि हमें पता है कि स्टॉर्म वाटर फ्लो के लिए फॉर्मूला होता है, स्टॉर्म वाटर फ्लो इक्वल्स टू एरिया इन मीटर स्क्वायर, यानी कि जो हमारा एरिया होगा जिसमें हमारे बारिश होगी, तो ये एरिया इन मीटर स्क्वायर इंटू उस जो सरफेस रन ऑफ है उसकी डेप्थ मीटर में। यहाँ आप देख सकते हैं SRO लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हो गया, सरफेस रन ऑफ, सरफेस रन ऑफ, SRO का मतलब हमारा हो गया सरफेस रन ऑफ। तो इस एरिया में जो एरिया है, उस एरिया में जो बारिश हो रही है उसमें सरफेस जो वाटर फ्लो हो रहा है, रन ऑफ कर रहा है, उसकी डेप्थ जो होगी मीटर में, उससे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे एरिया के, और उसको हम सेकेंड में हम चेंज कर लेंगे, तो कितना हमारा स्टॉर्म वाटर प्रोड्यूस हो रहा है वो हमें पता चल जाएगा। ठीक, तो चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं आगे इसमें। तो हमारा नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, स्टॉर्म वाटर फ्लो, स्टॉर्म वाटर फ्लो इक्वल टू एरिया इंटू मीटर स्क्वायर इंटू डेप्थ ऑफ SRO, SRO मतलब सरफेस रन ऑफ इन मीटर में, डिवाइडेड बाई टाइम ऑफ 24 आवर इन सेकेंड। ठीक, तो अब एरिया हमारा कितना गिवन है, 60 किलोमीटर स्क्वायर है, तो ये हमारा 60 किलोमीटर स्क्वायर हो गया। ठीक, इंटू डेप्थ हमारी कितनी है, यहाँ पे आप जैसा कि देख सकते हैं डेप्थ हमारी कितनी है, 24 घंटे में जो हमारी डेप्थ आ रही है वो कितनी है, 12 mm। ये अब हमारा 24 घंटे में है 12 mm, तो हम क्या करेंगे, हम 12 mm को पहले मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो अब इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, डिवाइडेड बाई 1000 से डिवाइड कर देंगे, 12 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू, अब ये आवर जो हमारा दिया वो 24 आवर्स में दिया, उसको हमें कन्वर्ट करना है सेकेंड में, तो मल्टीप्लाई बाई 1/24 × 60 × 60 कर लेंगे। ठीक, तो यहाँ जैसा कि किया गया है, जब इसको हम मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 8.33 क्यूमिक या मीटर क्यूब पर सेकेंड, यह हमारा स्टॉर्म वाटर फ्लो हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, मैक्सिमम सीवेज फ्लो कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो हमारी वैल्यू आई थी हमारा एवरेज सीवेज फ्लो था। ठीक है, हम किस बेसिस पे डिजाइन करेंगे, मैक्सिमम वैल्यू के बेसिस पे डिजाइन करेंगे। तो अब इसमें हम मैक्सिमम सीवेज फ्लो कैलकुलेट करेंगे, तो हमारा एक फार्मूला होता है, मैक्सिमम सीवेज फ्लो इक्वल्स टू 1.5 × एवरेज सीवेज फ्लो, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा भी गया है, मैक्सिमम सीवेज फ्लो इक्वल्स टू 1.5 × एवरेज सीवेज फ्लो। अब 1.5 × एवरेज सीवेज फ्लो 4.5 m³/s है, तो 4.5 m³/s से मल्टीप्लाई करेंगे तो मैक्सिमम सीवेज फ्लो हमारा कितना आ जाएगा, 6.75 m³। ठीक, ये हमारा मैक्सिमम सीवेज फ्लो हो जाएगा। देन उसके बाद अब हम क्या करेंगे, हमें स्टॉर्म वाटर की क्वांटिटी भी पता चल गई, और जो हमारा मैक्सिमम सीवेज फ्लो हो रहा है उसकी क्वांटिटी हमें पता चल गई। अब दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, ऐड करने के बाद हमें क्या मिलेगा, टोटल मैक्सिमम फ्लो ऑफ कंबाइंड सीवर, मतलब कि कंबाइंड सीवर के लिए टोटल मैक्सिमम फ्लो हमें पता चल जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, नेक्स्ट
मैक्सिमम फ्लो ऑफ द कंबाइंड सीवर इक्वल्स टू हो जाएगा मैक्सिमम सीवेज फ्लो प्लस स्टॉर्म वाटर, ठीक, इन दोनों की वैल्यू को ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो मैक्सिमम सीवेज फ्लो हमने यहाँ मल्टीप्लाई किया, कितना आया 6.75 मीटर क्यूब, मैक्सिमम सीवेज फ्लो हो गया 6.75 प्लस स्टॉर्म वाटर की क्वांटिटी कितनी आई है 8.33 मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो हम यहाँ क्या करेंगे 8.33 मीटर क्यूब पर सेकेंड हो जाएगा। अब दोनों को ऐड करेंगे तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी 15.08 मीटर क्यूब पर सेकेंड या क्यूमिक। तो ये हमारा टोटल कंबाइंड सीवर के लिए मैक्सिमम जो फ्लो है उसकी वैल्यू हमें पता चल जाएगी। और ये जो हमारी मैक्सिमम वैल्यू है यही हमारी क्या है कैपेसिटी ऑफ द सीवर है। तो ये हमारी कैपेसिटी ऑफ सीवर हो जाएगा, कैपेसिटी ऑफ सीवर ये हो जाएगा हमारा 15.08 मीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है। ये हमारा हो गया सीवर की कैपेसिटी, जो कि क्वेश्चन में कैलकुलेट करने के लिए बोला गया था कि व्हाट शुड बी द कैपेसिटी ऑफ द सीवर इन मीटर क्यूब पर सेकेंड। ये हमारी कैपेसिटी हो जाएगी 15.08 क्यूमेक्स या मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो इस तरीके से हम जो कंबाइंड सीवर है या सेपरेट सीवर है उसकी हम डिजाइनिंग करते हैं। अगर ये हमारा सेपरेट सीवर रहता तो हम दोनों जो वैल्यू कैलकुलेट किए हुए हैं मैक्सिमम सीवेज फ्लो और स्टॉर्म वाटर फ्लो इन दोनों वैल्यू को ऐड नहीं करते, दोनों को सेपरेट रखते हैं अलग अलग, और उसी के बेसिस पे उसी डिस्चार्ज के बेसिस पे हम जो सीवर है उसकी कैपेसिटी को डिसाइड करते हैं और उसकी डाया कैलकुलेट करनी होती है तो डाया को हम कैलकुलेट करते हैं। अब ये कंबाइंड सीवर है तो दोनों को हम क्या करते हैं ऐड कर लेते हैं और एक सीवर हमें डिजाइन करते हैं। तो ये हमारा कंबाइंड सीवर से रिलेटेड न्यूमेरिकल है। तो इसको आप लोग नोट करना चाहे तो नोट कर लीजिए, अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे थोड़ा चेंजेस कोई दूसरे न्यूमेरिकल के बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तब तक इसको आप लोग नोट कर लीजिए। थैंक यू।